क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आज के इस क्वेश्चन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि अहमद ने कुछ रूलर्स परचेज किए हैं और जो जिनकी क्वांटिटी डिफरेंट है और उनकी जो प्राइस है वो भी डिफरेंट है, तो लेकिन हमने मालूम क्या करना है कि उनकी एवरेज प्राइस क्या है पर रूलर। रूलर्स डिफरेंट हैं, उनकी प्राइसेस भी डिफरेंट है, लेकिन हमने उनकी एवरेज मालूम करनी है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि जितने रूलर्स हैं उनकी हम प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे और नंबर ऑफ रूलर्स को भी प्लस कर लेंगे, फिर प्राइस और नंबर ऑफ रूलर्स को डिवाइड करके जो है वो हम एवरेज जो है वो उनकी प्राइस पर रूलर जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 32 उसने जो रूलर्स हैं वो 10 रुपीज के हिसाब से जो है वो लिए हैं, ठीक है, 32 रूलर्स 10 रुपीज के हिसाब से। तो इसको अगर हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 320 आ जाएगा, ठीक है, ये 32 रूलर्स की हमारे पास प्राइस आ गई। इसी तरह फिर 26 इंच रूलर्स 5 रुपीज के हिसाब से उसने लिए हैं, तो देखें 20 और उसने 5 रुपीज के हिसाब से लिए हैं तो ये हो जाएंगे 100 रुपीज, तो ये हमारे पास उनकी प्राइस आती जा रही है, ठीक है। और 48 10 इंच रूलर्स जो है वो 2 रुपीज ईच, 2 रुपए के हिसाब से उसने लिए हैं, तो 48 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 96 बन जाता है। तो अब इस प्राइस का जो है वो टोटल कर लें, टोटल क्या आ जाएगा, 6, 1 और 5, और नंबर ऑफ रूलर्स हमारे पास जो है वो ये हैं, 32 हैं, 20 हैं और 48 हैं, तो अगर हम इनको प्लस करें तो 8 और 2 0, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 2 6 और 4 10, तो 100 रूलर्स हैं। अब हमारे पास 100 रूलर्स हैं और 100 रूलर्स की टोटल प्राइस 516 है, तो अब हम क्या करेंगे कि एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर नंबर। तो हमने अब देखें, सम का मतलब होता है टोटल अमाउंट या टोटल प्राइस, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट और टोटल प्राइस है वो 516 है और जो टोटल नंबर्स है वो 100 है, तो अब नीचे 100 रखेंगे, तो हमें पता है कि जब नीचे 100 हो तो 20 के बाद या 2 डिजिट के बाद जो है वो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे 5.16, तो एवरेज हमारे पास क्या आ गई 5.16। तो हम कह सकते हैं कि 100 रूलर्स की जो एवरेज प्राइस है या एवरेज प्राइस पर रूलर है वो 5.16 है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है।